भारत का अजब प्रहार कहें इसे, बारिश के बीच बिजली चमकी, सीधे बिजली मंदिर पर गिरी। उस वक्त श्रद्धालु नर्मदा स्नान कर रहे थे, कोई पूजा पाठ में मग्न था, तभी जोर से बिजली चमकी और गिरी। शिव ने सहा ये वज्रपात। देखिए खास तस्वीर, बिजली का प्रहार, भोलेनाथ का चमत्कार। कभी पिया विष का प्याला, अब सहा वज्रपात। मंदिर पर गिरी बिजली, कुदरत का अजब प्रहार। बच गई कई जान, बिजली का प्रहार, भोलेनाथ का चमत्कार। शिव ने सहा वज्रपात। अपने आप में हैरान कर देती है ये तस्वीर। भोलेनाथ अमृत मंथन में विष का प्याला पीकर नीलकंठ कहलाए, अब महादेव ने एक और संकट से बचाया। लोग कह रहे हैं भोले का चमत्कार है जो कुदरत के प्रहार से उन्हें बचाया। ये तस्वीर जो हैरान कर देती है, ना तो मंदिर परिसर में बिजली गिरी, ना ही किसी को कोई नुकसान हुआ, बस सीधे बिजली मंदिर की छत पर गिरी और मंदिर की छत से सीधे शिवलिंग के बीचों बीच। शिवलिंग का कुछ हिस्सा क्रैक हुआ, आसमान में रोशनी छा गई। इस गड़गड़ाहट से लोग भी हैरान थे, सबको समझ आ गया था कि बिजली गिरी है। तो जब हमने संगर पर एक डुबकी लगाई तो खूब गड़गड़ाहट की आवाज आई, चौंक गए। तो फिर हमें ऐसा प्रतीत हुआ, सबने देखा, हम तीनों बंदों ने देखा, खूब प्रकाश दिखा। तो हमने सोचा है बिजली का प्रकाश होगा। तो जब हम वहाँ से ऊपर आए तो बाल बाल झटक के सुखाने लग गए। ये वायर जो टूटी हुई वायर पड़ी है, ये मेरे बिस्तर पे थी और पानी से भरा हुआ बिस्तर था गीला। तो हमने वाइपर से लेकर के वो तार हटाया, तो हमने बोला इसका कनेक्शन पहले देखते हैं कहाँ से है। वो कनेक्शन हमने बंद किया तो देखा डायरेक्ट भोलेनाथ पर नजर गई। सीहोर के भिरुंदा ब्लॉक के नीलकंठ गांव में मौजूद पांडवकालीन प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में जो हुआ वो किसी अजूबे से कम नहीं। जहां आकाशीय बिजली मंदिर पर गिरी और छत में छेद करते हुए शिवलिंग के एकदम बीच में गिरी, लेकिन किसी को भी जरा सी खरोंच तक नहीं आई। उस वक्त कुछ लोग अनुष्ठान कर रहे थे, कुछ भक्त नर्मदा स्नान। सबको समझ आ गया कुदरत कुछ कह रही है। तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी, इसकी खबर प्रशासनिक अधिकारियों को लगी। मौके पर सब पहुंचे, लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। नर्मदा के तट में नीलकंठ गांव में नीलकंठ मंदिर में आप ही पूजा पाठ कर रहे हैं क्या? हम लोग बाहर से आए हुए हैं अनुष्ठान में, नवरात्रि के पावन पर्व पर अनुष्ठान करने के लिए आए हुए हैं। तो ये शिवलिंग के पास ही आप अनुष्ठान कर रहे हैं? बाहर आकर देखे हैं तो कुछ नहीं दिखाई दिया। महाराज जी को देख रहे थे, महाराज जी नहीं दिखाई दिए। उसके बाद जब महाराज जी आ गए तो हम लोग देखे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रकाश हुआ है। वो प्रकाश कहाँ पर हुआ, ऐसा महसूस हो रहा था कि बिजली यहीं आसपास गिरी है। और फिर जैसे वहाँ से साइड घूम करके आए तो देखे तो शिव जी में दृष्टि पड़ी है, तो शिव जी में थोड़ा सा उसके टुकड़े हो गए शिव जी के। सब कह रहे हैं महादेव ने हर लिया संकट। सीहोर में प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या कभी आपने सुना है कोई मूर्ति पिछले 27 साल से थाने में क्या?